नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल का अगला वाला भाग डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मींस यदि आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ चुके हैं और आपको न्यूमेरिकल की सोल्यूशन करना है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। मींस विस्कोसिटी और आज हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी डायनामिक और काइनेमेटिक दो प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड का, और इसी पर आज हम लोग कॉन्सेप्ट और उस पे आए गए न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे। जस्ट इसके पिछले यानी पहली क्लास में जो हम लोग न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस पर देखे थे, उसमें आपका मास डेंसिटी था, वेट डेंसिटी था, स्पेसिफिक वॉल्यूम था और स्पेसिफिक ग्रेविटी था, और अभी वाले क्लास में जो है वो विस्कोसिटी एंड आपका यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर होगा। तो हम लोग विस्कोसिटी का देखेंगे फार्मूला क्या है, फार्मूला को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि होता क्या है विस्कोसिटी जब निकालने के लिए जब क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के देता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि फार्मूला को किस प्रकार से हम लगाएंगे और फार्मूला का बेसिक मीनिंग क्या है। हम लोग उस फार्मूले को बेसिक मीनिंग समझेंगे होता क्या है, और साथ में यूनिट वगैरह भी देखेंगे विस्कोसिटी का कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिट्स, और यूनिट्स किस फॉर्मेट में दिया है और हमको किस फॉर्मेट में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर विस्कोसिटी हम लोग मेंशन करते हैं, आप लोग भी साथ में उसको नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और साथ में जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। विस्कोसिटी तो पहला हम लोग बात करेंगे डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ठीक है ना, या हम इसी को डायनामिक विस्कोसिटी भी बोल दें, डायनामिक विस्कोसिटी, या इसको हिंदी में श्यानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्यानता। और श्यानता होता क्या है कि जब एक लेयर दूसरे लेयर का जो प्रतिरोध करता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, वही हमारा श्यानता कहलाता है। तो कहा भी जाता है कि गाढ़ा यदि तरल पदार्थ है तो उसकी क्षमता ज्यादा होता है और हल्का यदि है तो कम होता है। जब थ्योरेटिकल पोर्शन इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं, टेम्परेचर पर क्या डिपेंड करता है, हम लोग वहां फोकस नहीं करेंगे क्योंकि यह थ्योरेटिकल क्लास हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिक न्यूमेरिकल की क्लास है। बट न्यूमेरिकल में जो आने वाली प्रॉब्लम की जो संभावनाएं है उसको कम करने के लिए मैं उन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र करेंगे जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम को हम लोग किस प्रकार से फेस करेंगे तो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर लेगा। तो पहला हम डायरेक्टली हम यूज करते हैं कि विस्कोसिटी की, डायनामिक विस्कोसिटी की फार्मूला क्या होता है। आप फार्मूला जानते हैं, टाउ बराबर होता है म्यू, टाउ इज इक्वल टू म्यू, और डी यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और डी वाई मीन्स चेंज इन डिस्टेंस बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डिस्टेंस। तो डी यू एंड अपॉन डी वाई, यह एक विस्कोसिटी का फार्मूला जनरेट होता है। इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज द म्यू इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम डायनामिक विस्कोसिटी बोला जाता है। डी यू अपॉन डी वाई होता क्या है? तो कहते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ, द रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ इसको बोला जाता है, अथवा रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, या वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हैं। तो क्या क्या बोला जा सकता है, जहां वियर वेयर डी यू अपॉन डी वाई इसको हम बोले रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ, रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। इसका और नाम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। इसका एक और नाम डिस्कस करते हैं, इसको नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट ठीक है ना, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। कुछ भी नाम इसका दिया जाता है, मतलब डी यू होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी और डी वाई क्या है? चेंज इन डिस्टेंस।
म्यू क्या है, दैट इज द डायनामिक विस्कोसिटी। क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी इसको बोला जाता है, ठीक है ना, डायनामिक विस्कोसिटी। तो आपने इस फार्मूले का मेन थीम समझ ली। हम लोग जब इसको यूनिट की बात करते हैं तो एकदम सेम सेम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी में चाहे वो एमकेएस यूनिट हो, चाहे सीजीएस यूनिट हो, चाहे एसआई यूनिट है, उन सभी विषय में डिस्कस करेंगे। और हम लोग एसआई यूनिट फॉलो करते हैं यदि, तो कभी कभी न्यूमेरिकल में आपका एमकेएस यूनिट दे दिया है और सीजीएस यूनिट दे दिया है, तो एसआई यूनिट में हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, इन सभी चीज का एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब अब हम बात करेंगे यूनिट का। अभी हम फार्मूले का बात कर लिए, अब यूनिट की जब बात करेंगे, यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, क्योंकि सभी पूरा खेल यूनिट का ही है, यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी हम बात करें, यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। अब यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी में मतलब हमको इसकी यूनिट क्या होगा, आप जानते हैं शियर स्ट्रेस का यूनिट, तो आप सभी लोग स्ट्रेस का यूनिट वही होगा, चाहे शियर स्ट्रेस हो, चाहे नॉर्मल स्ट्रेस हो, चाहे टेंजेंशियल स्ट्रेस हो, एनी वन स्ट्रेस, दैट इज द यूनिट ऑफ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर आदि, ये सब यूनिट होता है। बट हमारे पास इसकी चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट भी वही है, वेलोसिटी का जो यूनिट है चेंज इन वेलोसिटी का, डिस्टेंस का यूनिट वही चेंज ऑफ डिस्टेंस का, मतलब पूरा मैटर हमारा क्या है इसका है। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, टाउ अपान डी यू अपान डी वाई। तो इसको किस क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपान चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपान चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। देखिए ये हो गया चेंज इन डिस्टेंस। अब शियर स्ट्रेस का हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपान एरिया लिख सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लेंथ अपान टाइम हो सकता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, और उसके बाद डिस्टेंस आपका लेंथ हो जाएगा। तो हम इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, दैट मींस फोर्स अपान द एरिया। जैसे यहां पर क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा फोर्स अपान एरिया। अब इसमें क्या है, वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम अपॉन लेंथ, ठीक है ना, अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो जब हम इसको इस प्रकार से यदि देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम यही लिख देते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया का तो मतलब समझते हैं लेंथ इंटू लेंथ होता है, मतलब मीटर इंटू मीटर आपका एरिया का हो जाएगा, तो लेंथ का स्क्वायर इसको बोला जा सकता है। यदि हम चाहे तो देखिए इसके अपान वन है, इसके अपान वन है, यदि हम इसको पलटेंगे, जैसे मान लीजिए फिर से एक लाइन, फोर्स अपान लेंथ का स्क्वायर यहां कर देते हैं, अपान ए अपान, और यहां आपका देखेंगे इसको लेंथ अपान टाइम इंटू वन अपान लेंथ, तो ये लेंथ लेंथ कट जाएगा। फिर आपका बचेगा यहां पर, देखिए बचेगा क्या, यही हम लिख दें, यहां बचेगा फोर्स अपान लेंथ का स्क्वायर अपान अपान वन अपान टाइम। तो ओवरऑल जो हमारा ये टाइम चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और इस प्रकार से हो जाएगा क्या, फोर्स टाइम अपान लेंथ, ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स टाइम अपॉन लेंथ का स्क्वायर। तो हमारे पास जो फार्मूला आया, मतलब इसका मेन जो आया वो क्या आया, फोर्स आया और साथ में टाइम आया और यहां पर लेंथ का स्क्वायर आया। अब फोर्स की यूनिट आप एमकेएस में लेते हैं, सीजीएस में लेते हैं, एसआई में लेते हैं, लेंथ की यूनिट किसमें आप लेते हैं, उसी के अनुसार डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट बदल जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे यूनिट का। तो जैसे हम एमकेएस यूनिट की बात करें, तो एमकेएस यूनिट में, एमकेएस में फोर्स की जो यूनिट होता है केजीएफ होता है,
कहा जाता है 1 kgf कितने के बराबर न्यूटन के बराबर, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। तो ओवरऑल 1 kgf ये आपका हो जाएगा, 1 kgf सेकेंड टाइम का यूनिट कितना होता है सेकेंड, और लेंथ का स्क्वायर आप किसमें करेंगे मीटर का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो पहले हम लोग एमकेएस में देखेंगे, फिर सीजीएस में देखेंगे, फिर एसआई यूनिट में देखा जाए, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे यूनिट में, पहले हम किसकी बात करेंगे एमकेएस, एमकेएस यूनिट में पहले हम डिस्कस करते हैं। एमकेएस यूनिट में, एमकेएस सिस्टम में यूनिट आपका हो जाएगा केजीएफ, केजीएफ, और ये हो जाएगा सेकेंड अपान मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। एमकेएस यूनिट में आपका हो गया। यदि हम सीजीएस की बात करेंगे, देखिए सीजीएस की बात करें तो न्यूटन जो होता है एसआई होता है, सीजीएस में फोर्स का यूनिट डाइम होता है, क्या होता है डाइम, तो ये हो जाएगा डाइम सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइम सेकेंड प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर। यदि हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई में अभी हम लोग सभी में रिलेशन भी देखेंगे, और एसआई में देखेंगे तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल, तो कभी कभी इसको पास्कल सेकेंड भी बोला जाता है, मतलब ये भी यूनिट किसका है डायनामिक विस्कोसिटी का। अब हम थोड़ा सा परिवर्तित रूप जानते हैं, जैसे परिवर्तित रूप कभी कभी क्या होता है इसको क्वाइज के नाम से भी जानते हैं। यहां पर बोला जाता है कि भाई 1 क्वाइज, या इसको बोलते हैं 1 क्वाइज जो होता है, 1 क्वाइज जो होता है 1 डाइम सेकेंड प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जहां पर आप समझेंगे कि क्वाइज है, समझ जाएंगे कि वह एक प्रकार का डायनामिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट में दिया है। सीजीएस यूनिट को आप एमकेएस या एसआई यूनिट में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट हम लोग का है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट, ज्यादातर इसी दोनों में देता है, कभी कभी इसको देता है तो भी इसमें आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको इसमें देने का कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, बट इसमें ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोग एक रिलेशन इसमें देखेंगे कि हम किस प्रकार से सीजीएस को एसआई यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, या एमकेएस को हम किस प्रकार से सीजीएस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एमकेएस में 1 kgf सेकेंड क्या होता है, 1 kgf सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर को हम पहले बदलेंगे। देखिए अब यहां से हम बदलने वाला कार्यक्रम करते हैं, एकदम आराम से एक एक समझेंगे। बदलने वाले कार्यक्रम में पहला क्या है 1 kgf, देखिए 1 kgf सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा हमने बताया 1 kgf जो होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, तो आप वही करेंगे, ये हो जाएगा 9.81 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका बदल गया, मतलब ये भी एक प्रकार का नोट आप कर लेंगे कि जब भी आवश्यकता होगा ये हो जाएगा। लेकिन इसके आगे वाला कार्यक्रम आप जानते हैं क्या कि 1 न्यूटन जो होता है 10^5 डाइम के बराबर होता है, ये इतना आप जानते हैं। यदि आप नहीं जानेंगे तो ये वाला जो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं बहुत ज्यादा फिर इसको ओपन करना होगा, और ये ऑलरेडी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स को यूनिट का कई प्रोसीजर देखा गया है, और यदि आप नहीं देख पाए हैं, मतलब नहीं अभी तक देखे हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए कि फोर्स में कितने यूनिट है, उसका कन्वर्जन किस प्रकार से है, क्योंकि फोर्स एक ऐसा जो है फैक्टर है आप समझेंगे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम हर आपके सब्जेक्ट में मिलेगा, तो उसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना होगा कि कितने यूनिट है, यूनिट का कन्वर्जन किस प्रकार से होगा आप उसको देखेंगे। बट यहां पर हम लिख रहे हैं 1 न्यूटन 10^5 डाइम के बराबर होता है, ठीक है, और साथ में 1 मीटर जो होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से यदि हम यहां पर देखें, देखिएगा तो ये हो जाएगा 9.81 इंटू 10^5 डाइम सेकेंड प्रति सेंटीमीटर प्रति 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये 5 है, 2 और 2 4 कट जाएगा, यहां पर 1 10 बचेगा,
ओवरऑल हम लोग का आ जाएगा 98.1 डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया और आप समझ गए होंगे कि 98.1 डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यदि यही हम बोले तो ये हो जाएगा इतने पॉइज, कितने पॉइज के बराबर हो गया, इतने पॉइज के बराबर हो गया। तो 98.1 पॉइज इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 98.1 पॉइज, बिकॉज क्या, क्योंकि आप जानते हैं वन पॉइज किसके बराबर होता है, कहेंगे वन डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 98.1 पॉइज के बराबर हो गया, किसके बराबर, 1 केजीएफ सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है, 9.81 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल सेकेंड के बराबर होता है। इसको हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 9.81, ठीक है, न्यूटन पास्कल सेकेंड के बराबर होता है या न्यूटन न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यदि 1 केजीएफ सेकेंड यदि इसको हम सीजीएस में बदले तो 98.1 डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 केजीएफ सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 98.1 पॉइज के बराबर होता है। दोनों के केस में आप समझ गए होंगे। अब हम सीधा सीधा एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में हम तीनों यहां पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में हम क्या प्रदर्शित करेंगे, देखिए अब यहां पर 1 केजीएफ जो है 1 केजीएफ सेकेंड प्रति सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, इज इक्वल टू इसी के बराबर है 98.1 पॉइंट। तो यहां पर लिख देंगे 98.1 पॉइंट। अब हम देखें कि भाई एक 1 न्यूटन जो होता है कितने पॉइंट के बराबर, 1 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 98.1 अपान यहां पर ये वाला इधर कर देंगे तो 9.81 हो जाएगा, ठीक है ना, 9. कितना वन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 10, कितना हो जाएगा, 10 वाइज हो जाएगा, 10 वाइज। तो 1 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर, 10 पॉइज के, या 1 पॉइज जो होता है ये 1 अपॉन 10 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये आप समझेंगे, या 1 पॉइज जो होता है, ठीक है ना, 1/10 पास्कल सेकेंड के बराबर होगा। तो ज्यादातर ये फार्मूला यूज होता है या ए वाला भी आप समझेंगे। तो 1 पॉइज जो होगा, 1 पॉइज मतलब 1 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 पॉइज के बराबर होगा। इसको आप रखते रहेंगे दिमाग में, क्यों, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल कभी पॉइज में देता है, जैसे बता दिया कि भाई 10 पॉइज हैं, 20 पॉइज हैं, 15 पॉइज हैं, तो उस पॉइज को न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर में बदल लीजिएगा। या क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करेंगे हम लोग हमेशा एसआई में करेंगे, यानी मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये पूरी जो ये पूरा जो यूनिट है वो किसका है, डायनामिक विस्कोसिटी का, एकदम साफ साफ क्लियर वे में स्पष्ट रूप में यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया, और इसको आप ध्यान में रखेंगे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक और हमने बताया कि आपके साथ एक और यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा जिसका नाम है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, होता क्या है वो हम देखेंगे, इसको हम मिला रहे हैं, ठीक है। देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो भी हम लोग फार्मूला देखेंगे, और साथ में उसका वह कॉन्सेप्ट देखा जाएगा जो न्यूमेरिकल में कार्य होता है या न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो डायनामिक विस्कोसिटी
यदि निकला है तो उसमें डेंसिटी से यदि हम भाग दे दें, मतलब डिवाइड कर दें डेंसिटी से, तो जो वैल्यू प्राप्त होता है वही हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। तो यहां पर लिख देते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सेकेंड हमारा क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम न्यू से रिप्रेजेंट कर देते थे, ठीक है ना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारा, जैसे डायनेमिक विस्कोसिटी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इस प्रकार से देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है ना, इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, मास डेंसिटी, अथवा डेंसिटी। तो ये तो हम लोग जानते हैं और इसको हम ये भी जान लेते हैं। तो चाहे तो हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसके यूनिट क्या हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि हम लोग लास्ट टर्म में जो हम अभी अभी जो हम मिलाए हैं डायनामिक विस्कोसिटी का फार्मूला, जब हम तोड़ तोड़ के यूनिट रिवाइज कर रहे थे तो लास्ट में आया था फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम। मतलब यहां पर देखा देखा जाए तो फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर, सॉरी लेंथ का स्क्वायर आया था और इनटू टाइम इतना आया था। और साथ में भी हम देखे ये क्या है, डेंसिटी है, घनत्व आप जानते हैं, चूंकि डेंसिटी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर जो होगा ये सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। और इसको हम यदि देखें फिर से तो फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर इनटू टाइम, ऊपर ही टाइम है, अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब लेंथ का क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब। आगे बढ़ें, ठीक है ना, आगे यदि हम बढ़ाएं तो देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम अपॉन लेंथ का स्क्वायर इनटू लेंथ का क्यूब अपॉन मास, ठीक है ना। तो देखिए लेंथ का क्यूब और लेंथ का स्क्वायर, मास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं मास किलोग्राम, किलोग्राम मीटर लेंथ, किलोग्राम मास यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब टाइम का स्क्वायर, और ऑलरेडी टाइम है और ए ऑलरेडी एक लेंथ होगा, तो लेंथ और लेंथ मिलाकर के कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, टाइम से एक टाइम कट जाएगा अपान मास, यहां पर ऑलरेडी मास है तो मास से मास कटेगा, तो लेंथ और लेंथ मिला करके हमारा हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर अपान एक टाइम बचेगा टाइम, और इस प्रकार से हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, दैट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड या मीटर पर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो हम लोग दो प्रकार का यूनिट देखिए होता है, कभी कभी स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक, तो वन स्ट्रोक जो होता है वन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। और यदि इसको हम देखें कि आप जानते हैं चूंकि वन सेंटीमीटर जो होता है वो आपका एक बटे 100 मीटर के बराबर होता है, तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो वन अपॉन 100 जो है मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्रति सेकेंड हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4
मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड वन स्ट्रोक बराबर, वन स्ट्रोक जो होता है वो 10^-4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, अथवा वन स्ट्रोक जो होता है वो आपका होगा 1 cm² प्रति सेकेंड, ये आपका यूनिट हो गया। तो हमको लगता है यूनिट वाला पोर्शन आप क्लियर हो गया होगा। हम लोग दो आज इसके पिछले वाले में चार फ्लूइड प्रॉपर्टी के विषय में डिस्कस किया गया था, आज सिर्फ दो फ्लूइड प्रॉपर्टी के विषय में डिस्कस किया गया था। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है इसका यूनिट में होता है, मतलब जो भी न्यूमेरिकल आपका कहीं फंसता है तो समझ जाएंगे कि आपका यूनिट क्लियर नहीं है। यदि आपको यूनिट क्लियर रहता है तो न्यूमेरिकल का फंसने कोई चांसेस नहीं रहता, आराम से आप कैसियो यदि आपको चलाने आता है ठीक ठाक से तो आप न्यूमेरिकल हल कर लेंगे। तो ये हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी था। तो चलिए डायनामिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर एक पहला न्यूमेरिकल उसी को हल कर लेते हैं, एक फार्मूला को रिविजन के रूप में इसको मिटाएंगे और हम ऐसा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें काइनेमेटिक और डायनामिक वाला सिस्टम दिया हो, उसके बाद हम लोग आगे वाला एक न्यूमेरिकल फिर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल का, चलिए एक न्यूमेरिकल अभी हम यहां बोर्ड पर लिखेंगे और वही न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके ठीक है। तो कह रहा है डिटरमाइन दी विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये डिप्लोमा में पूछा जाता है अक्सर ऐसे पैटर्न पर। देखिए डिटरमाइन दी विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, डिटरमाइन द विस्कोसिटी, डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, ऑफ ए लिक्विड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्ट्रोक। देखिए 6 स्ट्रोक दे दिया है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9। देखिए ये डेटा कुछ भी हो सकता है, ये डेटा कुछ भी हो सकता है। डिटरमाइन क्या है, विस्कोसिटी ज्ञात करना है ऑफ ए लिक्विड का। एक लिक्विड का विस्कोसिटी ज्ञात करना है जबकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन्होंने 6 स्ट्रोक दिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.9। एक क्वेश्चन 2 से 5 मार्क्स का आता है और इसको लगाने का प्रोसीजर क्या है, मतलब ये क्यों हम लोग इसको डिस्कस कराते हैं, सिंपल सा आप समझेंगे कि जस्ट आपसे ये न्यूमेरिकल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल की जो फार्मूला है याद है कि नहीं है, मीन्स फार्मूला रिवाइज कराने के लिए ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाते हैं और मीन्स इसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए विस्कोसिटी पहला हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे, गिवन डेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, गिवन जो जो दिया है गिवन डेटा, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है इसलिए स्टेप वाइज नहीं लगाएंगे। और पहले सॉल्यूशन में गिवन डेटा में क्या क्या दिया है, कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड को डिटरमाइन करना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन्होंने दे रखा है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना दिया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू 6 स्ट्रोक और आप जानते हैं 1 स्ट्रोक यहीं पर लिख देंगे, 1 स्ट्रोक जो होता है 1 cm² प्रति सेकेंड अथवा 10^-4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो ओवरऑल यहां पर हो जाएगा 6 × 10^-4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये हम लोग लिखेंगे गिवन में ठीक है ना। स्ट्रोक कौन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 1.9, मतलब यस बराबर कितना दिया 1.9 और म्यू इज इक्वल टू कितना दिया इतना। अब आपसे पूछा है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, तो हम लोग विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड निकालेंगे, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कितना होगा, तो विस्कोसिटी की वैल्यू म्यू, अब आप जानते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या, या ऐसे जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी
इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, मास डेंसिटी, और इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं म्यू अपॉन ए म्यू, तो म्यू बराबर रो इनटू म्यू, और इसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मतलब आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी मालूम होना चाहिए, हमको डेंसिटी नहीं मालूम है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम डेंसिटी को निकालेंगे, बाकी ये तो मालूम है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की सहायता से हम लिक्विड का डेंसिटी को ज्ञात करेंगे। तो इसके पिछले वाले क्लास में हमने बताया था कि किस प्रकार से छोटे छोटे प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल दिया जाता है, और देखिए उसी न्यूमेरिकल को यहाँ बीच में ले आकर के रख दिया है। तो आप जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी फार्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, कहते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी हमने बताया था कि 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, और इस प्रकार से डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर जो भी होगा इसका हमने लिखा 1000, ठीक है ना, 1000, और यहां ग्रेविटी की वैल्यू दिया है 1.9, ठीक है ना, 1900 केजी प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि मास अपान वॉल्यूम होता है, यूनिट इसके पिछले वाले में ऑलरेडी क्लियर करा दिए, अर्थात जो हम लोग की डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकला वो आपका 1900 केजी प्रति मीटर क्यूब आ गया। इस प्रकार देयरफोर विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू कितना होगा, डेंसिटी 1900 इंटू इसकी वैल्यू कितना है 6 × 10⁻⁴, ठीक है ना। अब इसको आराम से कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने से नहीं करना है कुछ भी, अब एकदम क्या है कैसियो की सहायता से हल कर लेंगे, 900 × 6 जो भी होगा, ठीक है ना, अब इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है, आया 1.14 आ रहा है, ठीक है, तो 1.14 लेकिन क्या आ रहा है, 1.14 ये क्या है, कहेंगे न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन आपसे पूछेगा बताओ ये प्राइज में क्या होगा, तो आप बताएंगे माना 1 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो 10 प्राइज के बराबर होता है, तो बताइए 1.1 न्यूटन कितने प्राइज करा होगा, कहेंगे 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल 11.4 प्राइज के बराबर होगा, अथवा 11.4 डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, तो किसी एक में आंसर, तो आपका छोटा न्यूमेरिकल मत मैटर नहीं रखता है, आप मत मैटर ये रखता है कि आप उसको समझे हैं या किताब का देख करके आपने लगा लिया और उसको समझ में नहीं आया, मतलब कई बार आपने उसको पढ़ रहे हैं क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसा फील करते हैं कि उनको लगता है कि ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा था, उनको रटाया रहता है क्योंकि बार बार उस न्यूमेरिकल को देखते हैं और उनको वो क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठ जाता है, मतलब किस प्रकार से बैठता है कि भाई यदि वो क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया एकदम सेम पैटर्न पर वही तब तो हल हो जाएगा, और यदि नहीं आ पाया तो मीन्स आपका नहीं हल हो पाएगा, तो आपको उसको समझना है और समझने के लिए आपको अपने पैटर्न पर हल करना होगा, ये नहीं किताब में पहले इसको हल किया होगा ये हल किया होगा कैसे हल किया आई डोंट माइंड, बट आप अपने पैटर्न पर जिस समय न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन कर लेंगे समझ करके कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि उस समय आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है बट 5 नंबर का डिप्लोमा में पूछा जा सकता है, 2 नंबर के भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस एक फार्मूला, 2 फार्मूले पर है, एक आपका इस फार्मूले को लेना है और एक आपका इस फार्मूले को लेना है, इस वाले फार्मूले पर ऑलरेडी हमने पिछले वाले क्लास में न्यूमेरिकल को रिवाइज करा दिया है, आगे वाले पैटर्न पर आज हम लोग डिस्कस किए हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आया था, डायनामिक विस्कोसिटी दोनों का जिक्र हुआ, इसलिए इस न्यूमेरिकल को यहां पर मेंशन किया गया है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसके बाद वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं,
इसको पहले मिटाएंगे और उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग हल करेंगे साथ में, ठीक है? चलिए आप लोग कैसीओ की सहायता से आंसर को चेक करते रहिएगा, मतलब आंसर आ रहा है आपका जो जैसे 11.4 हमारा आया है तो आपका भी 11.4 आया है कि नहीं आया, ये थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग अब इसमें देखेंगे क्या है इसका। करा एक प्लेट है ना, एक प्लेट है जो 0.024 mm डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है ना? इसको लिख देते हैं यहां पर लिखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है ए प्लेट 0.024 mm डिस्टेंस from a fixed plate move at 8 cm प्रति सेकेंड, ठीक है ना? 8 cm प्रति सेकेंड, 80 cm, ठीक है 80 कर दिया जाए इसको, ठीक है 80 cm प्रति सेकेंड, and required a force of 4 newton प्रति यूनिट ऑफ एरिया, या 4 newton पर यूनिट एरिया, ठीक है ना? मतलब ये फोर्स दिया है न्यूटन पर यूनिट एरिया का, मतलब न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी दिया हो, ये एक तरीके से शियर स्ट्रेस का मान दिया होगा, दैट मींस, अच्छा यहाँ पर दैट मींस लगा दिया, दैट मींस 4 newton प्रति मीटर स्क्वायर इन्होंने दे रखा है। चलिए टू मेंटेन दिस स्पीड determine the fluid viscosity between the plate। चलिए ठीक है, यदि हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो सिंपल सा बोलेंगे कि एक फिक्स प्लेट से 0.024 mm दूरी पर एक प्लेट जो 80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से चलती है, और इस गति को 80 है ना, हम लोग लिखे 80 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर से गति से चलती है, ठीक है, और इस गति को बनाए रखने के लिए 4 newton प्रति इकाई क्षेत्रफल ना, अर्थात 4 newton प्रति मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर ही दिया है, 4 newton प्रति मीटर स्क्वायर के बल की आवश्यकता होती है, प्लेटों के बीच द्रव की श्यानता को ज्ञात करना है, यही आपका है क्वेश्चन। तो हम लोग इसको पहले हल करते हैं। देखिए पहले दिया है उसको प्लेट, दो प्लेट बना देते हैं। देखिए मान लीजिए एक प्लेट रहा है ए, और ए प्लेट एकदम फिक्स है, ए प्लेट क्या है एकदम फिक्स है यहाँ पर, और दूसरा प्लेट यहाँ पर है मान लीजिए, और दूसरे प्लेट के अंदर जो है वो द्रव भरा गया, ये क्या है लिक्विड भरा गया है, फ्लो कर रहा है इसे, तो श्यानता का अर्थ यही होता है कि भाई एक लेयर दूसरे लेयर का क्या करता है प्रतिरोध करता है, तो वही आपका विस्कोसिटी है। जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे उस केस में एक बाउंड्री लेयर कार्य करता होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर इनके प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, देखिए डिस्टेंस आपका दिया होगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस दिया है, क्या कह रहा है कि ये प्लेट कितना, यानी कि 0.024 mm की दूरी पर ये है, चलो ठीक है ना, इतना mm नहीं होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, चलिए mm दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ये डेटा है उसके अनुसार हम लोग हल कर देंगे। डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स प्लेट मूव
80 सेंटीमीटर, ध्यान देना 80 सेंटीमीटर पर सेकंड का ये आपका जो है U की वैल्यू दिया होगा। यहां पर एक फोर्स कार्य करता होगा, मतलब ये फोर्स कार्य करता है इधर ऐसे, जिसका मान जो मेंटेन है 4 न्यूटन का एक फोर्स पर यूनिट एरिया पर लग रहा है। मेंटेन द स्पीड, डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और साथ में गिवन डेटा। तो देखिए सॉल्यूशन और इसमें आप गिवन क्या क्या दिया है, गिवन डेटा मेंशन कर दें। गिवन में क्या क्या दिया है, पहले बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या दिया है 0.024, मतलब आपका जो डिस्टेंस दिया है दो प्लेटों के बीच ये दे रखा है। वेलोसिटी मूव मतलब ऊपर वाला, तो यू की वैल्यू दिया है 80 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसको आप मीटर में बदलेंगे तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 अपान इतना मीटर के बराबर होता है। तो 80 अपान 100 मीटर पर सेकेंड मतलब 0.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर ये हो गया। कह रहा कि फोर्स कितना लग रहा है, तो कह रहा फोर्स जो है मीन शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितना है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो लग रहा है टाऊ बराबर कितना दिया है 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इन्होंने दे रखा है, 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का शियर स्ट्रेस हो गया। अच्छा चेंज इन वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी यदि देखा जाए तो u माइनस 0 मतलब इस प्लेट की वेलोसिटी माइनस इस प्लेट की वेलोसिटी, इस प्लेट की वेलोसिटी 0 है u और इसकी वेलोसिटी दिया है 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, 80 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आपका वेलोसिटी दिया है। तो ओवरऑल u माइनस 0 मतलब वही 80 जब है तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड आपका हो गया। हमसे पूछा क्या गया है फ्लूइड विस्कोसिटी, तो कहेंगे फ्लूइड विस्कोसिटी बराबर क्या होता है, फ्लूइड विस्कोसिटी की वैल्यू कितना निकलेगा। लेकिन इसके पहले हम लोग तो फार्मूला क्या लगाएंगे, इसको हटा करके फार्मूला पहले लगाते हैं। टाऊ बराबर क्या होता है म्यू डी यू अपान डी वाई, तो म्यू बराबर कितना होगा टाऊ अपान डी यू अपान डी वाई। टाऊ की वैल्यू कितना है 4, डी यू की वैल्यू कितना है 0.8, ठीक है ना, और डी वाई की वैल्यू कितना है, डी वाई की वैल्यू दिया है 0.024, ठीक है ना। ये देखो एमएम में दिया है जी, तो एमएम में दिया है भाई, तो इसको आप तुरंत 0.024 ना इनटू 10^-3 मीटर में बदल लेंगे, ठीक है ना, -3 मीटर में बदल लिया जाएगा। तो यदि ये मीटर में दिया रहेगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा, कुछ में दिया रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, एक फॉर्मेट हम तैयार कर दिए हैं, आप उसके क्वेश्चन के अनुसार आप बदलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एमएम दिया है क्योंकि एमएम लिखा गया है, यदि क्वेश्चन हमको मान लीजिए क्वेश्चन हमको वहां से लेने में भी गलती हुआ होगा तो आप उसको देख लेना कि जितना दिया होगा उसके अनुसार आप उसका आंसर को कैलकुलेशन करेंगे। बट यहाँ पर यदि एमएम हम लिखे हैं उसी के अनुसार मीटर में सब डेटा पहले देख लीजिए कन्वर्ट हुआ कि नहीं, ये भी 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दिया था हमने, मीटर पर सेकंड में बदल लिया, 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया था, 80 में 100 से भाग देंगे ये आपका मीटर पर सेकंड बदल जाएगा 0.8 मीटर पर सेकंड हो गया, सब डेटा एक तरीके से एक में बदल गया। अब हम कैसियो लेंगे और कैसियो की सहायता से सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है, देखिए ठीक है, कैसियो की सहायता से हम सॉल्यूशन करेंगे 0.8 डिवाइडेड बाई 0.024, ये आपका जो आएगा इतना आ गया, और डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4 में हम डिवाइड कर देंगे तो 1.2 × 10^-4 आ रहा है, ठीक है ना, हमको लग रहा है कि डेटा में कहीं ना कहीं इधर मिस्टेक हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है, 1 × 10^-4 जो आया है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर में आ रहा होगा, ठीक है ना। यदि ये मीटर में रहता तो, यदि मान लीजिए हम लोग इसको हल करते तो जैसे 4 अपान
0.8 अपान 0.024, यदि इतना मीटर रहता या मीटर रहता डायरेक्टली ये मीटर रहता तो कितना आंसर आता ये हम बता दें। तो यहाँ पर 0.8 डिवाइडेड बाई 0.024 यदि ये मीटर रहता जो आता वो हम 4 से डिवाइड कर देते तो 0.12 आ रहा है। हमको लग रहा है ये देख लीजिएगा अपने अनुसार 0.12 इसके अनुसार 0.12 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा होगा और यदि इसको पॉइज में बदलेंगे 1.2 पॉइज के बराबर आ रहा होगा। ठीक है ना श्यामता, तो यदि ये मीटर में रहेगा तो आपका आंसर ऐसे, यदि ये ठीक एमएम में ही है तो आंसर फिर इस प्रकार से आएगा। ठीक, इसको पॉइज में बदलेंगे 1 × 10⁻³ आ जाएगा, पॉइज बदलेंगे 1 × 10⁻³ पॉइज और इस प्रकार से 0.001 पॉइज, ये ऐसे तब आ जाएगा। ठीक है ना, तो अपने अनुसार ऐसे सॉल्व करेंगे, मींस हम लोग का ए न्यूमेरिकल जो है जिस प्रकार से हम फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला क्या पढ़ा गया, टाउ बराबर न्यू डी यू अपान डी वाई, डी यू अपान डी वाई पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे जिसमें म्यू की वैल्यू दिया रहेगा और आपका अलग प्रकार का कोई वैल्यू टाउ की वैल्यू पूछा जाए, जैसे एक बियरिंग ने बियरिंग पर शाफ्ट चल रहा है उनके बीच कुछ डिस्टेंस दिया है, बियरिंग का स्पीड दिया रहेगा, मान लीजिए बियरिंग का स्पीड भी दिया है, उस केस में आपको उसकी विस्कोसिटी डिटरमाइन करना पड़ सकता है या उस पर कितनी शियर स्ट्रेस की वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो किया गया करा रिक्वायर टू फोर, जो फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन प्रति यूनिट एरिया, मतलब इकाई क्षेत्रफल पर 4 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा है एक प्लेट पर जो आगे की तरफ बढ़ा रहा है, मतलब इस पे जो शियर फोर्स काम कर रहा होगा, मतलब शियर फोर्स वो 4 न्यूटन का, यानी शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो 4 अपान एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टाउ की वैल्यू जो दिया है वो 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर इस न्यूमेरिकल का आ गया। जो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि हम लोग का यूनिट वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये तो था विस्कोसिटी और मतलब डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमिक विस्कोसिटी का दूसरा प्रॉपर्टी फ्लूइड का, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 4 प्रॉपर्टी पर डिस्कस किए थे। इसी प्रकार से आगे अगला पैटर्न पर हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे और साथ में उस पे न्यूमेरिकल कुछ देखा जाएगा। जब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग मेजरमेंट में चलेंगे, जो जैसा कि मैनोमीटर हुआ या डिफरेंशियल मैनोमीटर हुआ, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन बना रहता है। तो आपसे बस इतना है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग का इसी प्रकार से आगे की क्लास कंटिन्यूअस डायरेक्शन विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत